नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 जनवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। नालको ने ऑपरेटरों के पद पर निकाली रिक्तियां। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको ने वैकेंसी निकाली है। नालको SUPT, JOT और ऑपरेटर के पदों पर भर्तियां करेगा। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 है। कुल 10 पदों पर भर्ती की जा रही है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास 10वीं पास और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा बॉयलर सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। शेखपुरा के मटोखर दाह में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेखपुरा जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम एवं शेखपुर सराय प्रखंड से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित मटोखर दह तालाब अपनी पवित्रता एवं रमणीयता के कारण एक अलग स्थान रखता है। टाटी नदी का किनारा और पहाड़ी इस क्षेत्र के अनुपम रूप में 4 चांद लगाते हैं। साथ ही गौतम बुद्ध द्वारा यहां अपने शिष्यों को उपदेश देने के कारण इस पवित्र स्थान का अपना एक अलग महत्व है। इस तालाब के निर्माण के संबंध में तरह तरह की किदंतियां प्रचारित है। कुछ लोग इसे द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम के आदेश पर ग्वाला बालों द्वारा खुदवाया मानते हैं। कुछ लोग इसे महाबली भीम द्वारा खुदवाया बताते हैं। कई इसे एक राजा द्वारा दही बेचने वाले के आग्रह पर खुदवाया गया बताते हैं। बिहार मदरसा बोर्ड मौलवी और फोकानिया की परीक्षा की आई तारीख। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के मौलवी यानी कि 12वीं और फोकानिया यानी कि 10वीं की परीक्षा की तारीख आ गई है, जिसके तहत यह परीक्षा 11 जनवरी से शुरू होने वाली है, जो कि 15 जनवरी तक जारी रहेगी। वहीं विस्तानिया यानी कि 8वीं कक्षा की परीक्षा 23 से 28 जनवरी तक चलने वाली है। इस बार परीक्षा में कुल मिलाकर 2,10,163 विद्यार्थी शामिल होंगे। विस्तानिया में 1,08,184, फोकानिया में 68,850 और मौलवी में 33,129 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड अध्यक्ष कयूम अंसारी ने बताया है कि कोरोना के कारण परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि अभी परीक्षा केंद्र की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। बिहार के 37 जिलों में बनाए जाएंगे नए बाईपास। बिहार के 37 जिले समेत अन्य शहरों में बाईपास बनाने के लिए स्थल सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाएगा। 120 नए बाईपास का निर्माण अगले 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता के तहत राज्य में बाईपास और फ्लाईओवर निर्माण की तैयारी की समीक्षा की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने पथ निर्माण विभाग ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पूरी बात रखी है। काफी देर हुई समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के समक्ष विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने प्रस्तुतीकरण कर शहरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी है। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 474 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,54,752 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 197 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बेगूसराय में 22 तो वहीं सारण में 31 मामले सामने आए हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 9 एजेंडों पर मुहर लग गई है, जिसके तहत नए साल में सरकार कमर्शियल वाहनों और मालवाहक मालिकों को बड़ी राहत देने वाली है। कमर्शियल वाहन और मालवाहक मालिकों को अब रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही बिहार पुलिस की तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को भी ग्रेड पे देने का बड़ा फैसला किया गया है। इसके साथ ही जमीन के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदाकर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सरकार ने ग्राम पंचायतों के मानदेय के लिए 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अब बिहार में भिखारियों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। बिहार में अब भिखारियों को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर भिखारियों का रेस्क्यू भी किया जाएगा, जिसके बाद उनके कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार रोजगार भी दिलवाने वाली है, जिसके बाद ही बिहार के भिखारी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसको लेकर CM भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम के तहत काम किया जाएगा। बिहार के सभी जिले के DM की निगरानी में भिखारियों का रेस्क्यू कराया जाएगा और ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों के DM को दिशा निर्देश भेजा है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अशोक कुमार की। बिहार के भागलपुर में जन्मे अशोक कुमार हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे। भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये महाराष्ट्र राज्य से थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि के नाम से मशहूर कुमार का जन्म एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्नातक की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, साथ ही कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। 1984 में दूरदर्शन के इतिहास के पहले सोप ओपेरा हम लोग में वो सीरियल के सूत्रधार की भूमिका में दिखाई दिए। दूरदर्शन के लिए ही दादामुनि ने भीम भवानी, बहादुर शाह जफर और उजाले की ओर जैसे सीरियल में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाया था। बिहार में उद्योगों ने पकड़ी रफ्तार। कोरोना के माहौल में और लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक उद्योग से संबंधित सभी मुद्दे बैकफुट पर चले गए थे। सड़क से लेकर हवाई सेवा सब कुछ बंद हो गए थे। उद्योग जगत की बात करें तो लगभग 6 से 8 महीने तक सभी उद्योग ठप रहे। वहीं धीरे धीरे सरकार अपनी गाइडलाइन को जारी कर कुछ कुछ चीजों में छूट देने लगी है, जिसके बाद धीरे धीरे सभी चीजें सामान्य होने लगी है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार के लगभग 75% उद्योग पटरी पर वापस लौट आए हैं, कुछ उद्योग पटरी पर नहीं लौटे हैं। इसका अहम कारण है उनके उद्योग के मुताबिक उचित माहौल नहीं मिल पाना। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि थोड़े समय के बाद फिर से ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार को लेकर किया बड़ा ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार को लेकर पहली बार अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना के माहौल के बाद वो एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत करने वाले हैं और इस दौरान वो लोगों से डायरेक्ट फीडबैक भी लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार शपथ लेने के बाद ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो जल्द ही बिहार में एक बार फिर से जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी संक्रमण के खतरे को देखते हुए सीएम ने जनता दरबार के कार्यक्रम को फिलहाल के लिए टालने का संकेत दिया है। 1200 से भी ज्यादा सहायक अभियंताओं की बहाली का रास्ता हुआ साफ। बिहार लोक सेवा आयोग की अपील को पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद राज्य में 1200 से भी ज्यादा सहायक अभियंताओं की बहाली का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो गया है। जस्टिस शिवाजी पांडे की खंडपीठ ने बीपीएससी की अपील पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे बीते दिन कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। बीपीएससी की तरफ से सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए मुख्य परीक्षा 26 मार्च 2019 को ली गई थी। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहायक अभियंताओं की बहाली को लेकर पीटी के मॉडल आंसर और रिजल्ट के फिर से मूल्यांकन हेतु नई एक्सपर्ट कमेटी बैठाने की जरूरत नहीं है। सारण, नवादा, बक्सर, जमुई की सड़कों को किया जाएगा मजबूत। बिहार के 4 जिलों की सड़क को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। सड़क की कुल 10 योजनाओं पर काम किया जाएगा। इन 10 सड़कों की कुल लंबाई 123 किलोमीटर है। इनमें चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम किया जाना है। जिन 4 जिलों में ये काम होने वाले हैं वो है सारण, नवादा, बक्सर और जमुई। पथ निर्माण विभाग के निविदा समिति की मीटिंग में इन योजनाओं के लिए कुल 166.06 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बक्सर जिले की 2 योजनाओं के लिए समिति ने कुल 30.16 करोड़ की मंजूरी दी है। नवादा जिले की 3 योजनाओं के लिए समिति ने कुल 34.53 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जल जीवन हरियाली दिवस के दिन अधिकारियों पर बरसे नीतीश। बीते दिन राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में बिहार की तरफ से जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन करवाया गया था। पिछले एक साल में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर कौन कौन से काम हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी समीक्षा की है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी समेत अनेक मंत्री भी मौजूद रहे थे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने मंच से ही सरकार के कामों पर सवाल उठाने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले जो काम दिया गया है उसको समय पर पूरा कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने पूरे बिहार में रोजगार मॉडल लागू करने की भी बात कही है। बिहार के 8 जिलों में खुलेगा 40 सैनिटरी पैड बैंक। किशोरियों की मदद के लिए अब बिहार के 8 जिलों में सैनिटरी पैड बैंक खुलने वाले हैं। महिला वार्ड सदस्यों की मदद से 40 सैनिटरी पैड बैंक को जल्द ही खोला जाएगा। हर जिले में 5-5 बैंक खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मेरी जानकारी के अनुसार जनवरी के अंतिम सप्ताह तक सभी पैड बैंक खुल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पंचायत स्तर पर किशोरी समूह की तरफ से इस पैड बैंक की स्थापना की जा रही है। खासकर गांव में रहने वाली किशोरियों के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, इस बैंक के माध्यम से 6 महीने में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम भी किया जाएगा।
बीएसआरटीसी की नई बसों का परिचालन अब पटना से अन्य रूटों पर। बिहार में पथ परिवहन निगम भागलपुर प्रमंडल के तहत आने वाले भागलपुर के अलावा जमुई और मुंगेर बस स्टैंड से पटना सफर करने वाले यात्रियों के लिए 8 नई बसें निगम को सौंप दी गई है, जिसके बाद यह सभी बसें 1 सप्ताह के अंदर भागलपुर पहुंच जाएंगी। नई बसों में भागलपुर से पटना वाया मुंगेर लखीसराय के बीच 2 बसें, पटना से मुंगेर वाया लखीसराय के लिए 2 बसें, जमुई से पटना वाया बिहार शरीफ नवादा के लिए 1 बस, जमुई से पटना वाया शेखपुरा के लिए 1 बस और पटना से बांगा वाया तारापुर जमुई शेखपुरा के लिए 2 बसें मिली हैं। बिहार दौरे में 50 से ज्यादा उम्र वालों का होगा टीकाकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन अपने देश में तैयार हो गई है, जिसको जरूरत सबसे ज्यादा है वहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पूरे देश में सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में वैक्सीन लगाने की तैयारी कर ली गई है। पहले दौर में 50 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा संक्रमित इलाकों में टीकाकरण करने की बात भी कही है। शिक्षक बहाली को लेकर 8 जनवरी को होगी अभ्यर्थियों की बैठक। शिक्षक बहाली को लेकर अब सभी शिक्षक अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने इस बाबत अपना बयान भी हाल ही में जारी किया है, जिसके तहत अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग की मंशा से साफ जाहिर हो चुका है कि वो बहाली नहीं करना चाहती है, जिसके बाद बिहार में अब शिक्षकों के बीच आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इससे पहले अभ्यर्थियों की एक टीम ने सचिवालय जाकर प्राथमिक निदेशक से मुलाकात की थी। बातचीत से ही यह पता चला कि काउंसलिंग की तारीख के बारे में नाम मात्र भी चर्चा नहीं की गई है। प्रधान सचिव से मुलाकात के बाद 10 जनवरी को एक बैठक आयोजित कर आंदोलन करने की नीति पर विचार किया जाएगा। बिहार में बर्ड फ्लू फैलने की बढ़ी संभावना। कोरोना के माहौल में अब बर्ड फ्लू की चपेट में देश के कई राज्य आ गए हैं, वहीं इसकी आंच अब बिहार तक भी आ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में भी बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि हमें बर्ड फ्लू की संभावना की जानकारी मिली है, सरकार इस मामले में अलर्ट है। इस संबंध में हम अपने विभाग के अधिकारियों से बात कर पक्षियों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो भी उचित कदम होगा उठाएंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने तेजस्वी यादव का किया घेराव। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया था, जिसको लेकर ही तेजस्वी यादव मकर संक्रांति के बाद धन्यवाद यात्रा पर निकलने की बात उन्होंने कही थी। हालांकि तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद ही बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि उन्हें जब तक स्वर्णों का आशीर्वाद नहीं मिल जाता, तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। माधव आनंद ने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा निकाले या कोई दूसरी यात्रा, उसे RLSP को कोई लेना देना नहीं है। यह उनकी व्यक्तिगत सोच और उनके दल का मामला है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस रणनीति से कोई फायदा नहीं होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित कॉमिक स्ट्रिप सुपरमैन की शुरुआत 1939 में आज ही के दिन हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन का 1947 में विभाजन को आज ही के दिन स्वीकार किया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को 1983 में पहली बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का सामना आज ही के दिन करना पड़ा था। नई दिल्ली में यमुना बैंक आनंद विहार सेक्शन की मेट्रो रेलों का परिचालन 2010 में आज ही से शुरू हुआ था। 1959 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1966 में ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतकार AR रहमान का जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी ने 2017 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। KL राहुल चोटिल होने के कारण टेस्ट सीरीज से हुए आउट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 4 टेस्ट मैच के बॉर्डर गवास्कर सीरीज में टीम इंडिया के क्रिकेटरों के चोटिल होने का सिलसिला जारी है। पहले टेस्ट मैच में चोटिल होने के कारण मोहम्मद शमी सीरीज से बाहर हुए थे, वहीं दूसरे टेस्ट मैच में उमेश यादव चोटिल होकर स्वदेश लौटे थे। वहीं अब KL राहुल भी चोटिल होने के कारण टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जिसकी जानकारी BCCI ने साझा की है, जिसके तहत BCCI ने बताया है कि राहुल के बाएं हाथ की कलाई में स्प्रेन आ गया है, जिसके चलते ही वो सीरीज से बाहर हो गए हैं। BMC ने सलमान खान के दोनों भाइयों को किया क्वारंटाइन। बीते दिन कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए सलमान खान के भाई अरबाज खान, सोहेल खान और सोहेल के बेटे निर्वाण खान को BMC ने मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एवं होटल में क्वारंटीन कर दिया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के भाई अरबाज खान, सोहेल खान और सोहेल के बेटे निर्वाण खान के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक BMC के मेडिकल अधिकारी की शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।
मैसेज पढ़ते हैं। इंस्टाग्राम और मैसेंजर से हो जाएगा गायब। आज यूजर्स के लिए हम इंस्टाग्राम और मैसेंजर के एक फीचर के बारे में बता रहे हैं जिसके जरिए मैसेज गायब हो जाते हैं। फेसबुक अपने इंस्टाग्राम और मैसेंजर ऐप के लिए वैनिश मोड ला चुका है। यह नया फीचर काफी हद तक व्हाट्सएप के डिसअपियरिंग मैसेज जैसा ही है। हालांकि फर्क इतना है कि व्हाट्सएप में मैसेज 7 दिन बाद गायब होते हैं, जबकि इस फीचर के जरिए इंस्टाग्राम और मैसेंजर के मैसेज पढ़ते ही तुरंत गायब हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपना ऐप अपडेट करना होगा। फीचर इनेबल करने के लिए किसी भी एक ऐप पर जाएं और अब किसी भी एक चैट विंडो को ओपन करें। चैट के निचले हिस्से में स्वाइप अप करें। ऐसा करते ही वैनिश मोड शुरू हो जाएगा। अब आप जो भी मैसेज भेजेंगे वो पढ़े जाने के बाद आपके चैट बंद करते ही मैसेज गायब हो जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,230 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,230 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव 70,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.21 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। बढ़ते अपराध को लेकर फिर घिरी सरकार, राजद एक भी मौका नहीं छोड़ती नीतीश सरकार पर निशाना साधने का। इसी क्रम में राजद ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है, जिसके तहत राजद ने सोशल मीडिया के अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि साल बदलेंगे लेकिन नीतीश सरकार और भाजपा के कारनामे नहीं बदलेंगे। इसको लेकर राजद ने अपने ट्विटर पर एक फ्लो चार्ट भी दिखाया है कि नए साल में 1 तारीख को कितने अपराध हुए और 4 तारीख तक कितने अप्रिय वाक्य बिहार में हुए हैं। इतना ही नहीं, राजद ने जनहित में जारी कर बताया है कि अपराध सरेआम, जनता त्राहिमाम। हालांकि इससे पहले भी राजद ने कई बार नीतीश कुमार का नाम लेकर बिहार में बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों को लेकर अपना बयान जारी किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राहुल मंडल, अंजू कुमारी, भुवन कुमार राज, श्वेता रॉय, प्रियंका कुमारी, प्रियमल यादव, दिवाकर सिंह, साहिल कुमार, शिवम कुमार, मोहम्मद फराज, बिपिन भारती, सुभाष कुमार पाल, अमन रंजन, असलम राज, हिमांशु कुमार महतो, देवेंद्र देवा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोरोना के वैक्सीन के आ जाने के बाद बिहार में किस किस का टीकाकरण पहले होना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।